सी है। रोटी कल हम भोजन कर रहे थे तो हमारे पास में कोई महात्मा जी विराज रहे थे, तो उनको कोई तकलीफ होगी ब्लड प्रेशर बीपी वीपी की, तो उनके लिए रोटी तो गर्म आई, फूली हुई आई, लेकिन लूखी आई। और वैसी ही गरम गरम फूली हुई रोटी उनके पास और थी परोसने, उसने कहा आपको दे दे क्या? हमने कहा रोटी एक नंबर है पर घी के बगैर हमको रुचिकर नहीं लगती, रोटी एक नंबर है पर घी के बगैर रुचिकर नहीं लगती। ऐसे ही समाज में जो गो भक्ति की गो सेवा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष गो सेवा नहीं करते हैं, उनकी भक्ति हमको रुचिकर नहीं लगती, उनकी बातें हमको रुचिकर नहीं लगती, भले वो कितनी लंबी चौड़ी हो। उससे सुनने वाले कुछ देर के लिए प्रभावित हो जाते हैं पर किसी के अंतकरण में गो भक्ति निर्मित नहीं होती। प्राणनाथ चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते करते, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते करते जिस दिशा में देख लेते थे उस दिशा में बैठे हुए लोग चाहे जो काम कर रहे हो खड़े होकर कीर्तन करने लग जाते थे। इतना प्रामाणिक उनका जीवन था, कीर्तन के साथ चैतन्य महाप्रभु एक मेक हो गए थे। कीर्तन और चैतन्य महाप्रभु दो शब्द ही नहीं, आप तो जानते हैं कि कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु वृक्ष को हाथ लगा देते थे तो वृक्ष नाचने लग जाता था। और कैसा ही कठोर हृदय का व्यक्ति हो उनकी दृष्टिपात से भक्ति करने लग जाता था। आज जितने भी गो भक्ति की चर्चा आदि करते हैं ऐसा परिवर्तन कहां कर पाते हैं। मेरी इस बात को किसी की निंदा आलोचना के रूप में न देखें, मेरी बात सिर्फ इतनी है प्रत्यक्ष गाय के साथ जुड़े बगैर गो भक्ति सिद्ध नहीं होती, पुष्ट नहीं होती। प्राणनाथ सो वर्तमान समय में गो सेवा सर्वश्रेष्ठ कार्य है और उसमें भी प्रत्यक्ष गो सेवा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जिस प्रकार अपने पास जो उत्तम से उत्तम वस्तु हो वो अपने इष्ट को समर्पित करनी चाहिए। तो गो माता में सब विराजमान है इसलिए गो माता हमारे इष्ट की भी इष्ट है। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी जो कुछ दिनों बाद यहां आपको श्याम कथा सुनाएंगे, मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता है भैया जी इस बात की। और यद्यपि आपकी इच्छा नहीं लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि श्याम भक्ति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा श्रेय आपको मिलेगा कि जब व्यासपीठ पर देखिए श्याम कथाएं तो बहुत जगह चल रही हैं लेकिन उन कथाओं में प्रामाणिक शास्त्र संपुट कितना है ये नहीं कहा जा सकता। लोग खुश हो जाएं सुनकर के, अच्छा सब हो जावे, अच्छा नाम हो जावे, अच्छी सेवा हो जावे, ये बहुत जगह देखने में आता है। लेकिन मेरी नज़र में और शायद आप सब श्याम भक्तों की नज़र में पहली बार होगा जब भारत का कोई जगत गुरु स्तर का आचार्य व्यासपीठ पर बैठकर श्याम कथा सुनाए। अब मेरे जैसे टटपूंजिए खूब गुड़बुड़ गुड़बुड़ करे उससे कुछ नहीं है, एक उच्च कोटि के महापुरुष जिनको वर्तमान समय में सनातन धर्म का चलता फिरता पुस्तकालय माना जाता है। सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं जिनके अंतकरण में विराजमान रहते हैं, कल पूज्य पथमेड़ा महाराज जी को आज निकलना था तो महाराज जी का भाव था कि वो जल्दी निकलें, लेकिन महाराज जी ने किसी से मुहूर्त पूछा तो मुहूर्त वाले ने कहा कि भाई 4 बजे निकलना चाहिए।
हमने कहा महाराज जी विलंब हो जाएगा, ऐसे तो कब पहुंचेंगे। तो महाराज जी ने कहा विलंब होने का कारण, हमने कहा मूर्त। तो महाराज जी ने एक ऐसा अद्भुत श्लोक बताया शास्त्र का कि ये श्लोक महाराज जी को सुना दीजिए। मेरी तो स्मृति इतनी तेज नहीं है, श्लोक याद नहीं, लेकिन चार ऋषियों का मत बता दिया मूर्त के संदर्भ में कि अमुक अमुक, अंगिरा ऋषि ये कहते हैं, बृहस्पति ऋषि ये कहते हैं और भगवान ये कहते हैं। एक ऋषि ने कहा है ब्रह्म वेला में निकल जाओ, कोई मूर्त पूछने की जरूरत नहीं। दूसरे ऋषि कहते हैं कि शगुन हो जाता है अच्छा तो निकल जाओ, कोई मूर्त का विचार करने का नहीं। तीसरा कहता है ऋषि कि मन में उत्साह हो यात्रा को लेकर तो निकल जाना चाहिए, कोई मूर्त पूछने की जरूरत नहीं। और भगवान कहते हैं कि जब ब्राह्मण कह दे तभी रवाना हो जाओ, कोई बात नहीं है। तो कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जिनके हृदय में हमेशा शास्त्र विराजमान रहते और मानो जागृत रहते हैं, मानो भीतर से यूं चढ़े रहते कि मुझे प्रकट करो, मुझे प्रकट करो, मुझे प्रकट करो, ऐसे महापुरुष आपको श्याम कथा सुनाएंगे। वास्तविक श्याम बाबा का जो स्वरूप है, वास्तविक जो श्याम बाबा का गुण है, वो आपको यहां सुनने को मिलेगा। और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि इस श्याम कथा की रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, इसकी एकदम अच्छे से रिकॉर्डिंग करके और जो सच्चे श्याम भक्त हैं, मेला जुटाने वाले नहीं, जो सच्चे श्याम भक्त हैं, उन सबको ये दी जाए और वे सुने और वास्तव में श्याम बाबा का क्या स्वरूप है शास्त्रोक्त, उसको समझे, उसको जाने। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े महापुरुष द्वाराचार्य जगतगुरु वे यहाँ बैठ करके आपको श्याम कथा सुनाएंगे। ये कदापि किसी व्यक्ति के पुरुषार्थ से संभव नहीं है, ये भैया जी आपकी गो भक्ति और आपके समर्पण के कारण संभव हुआ है। बाकी महाराज जी को राजी करना श्याम कथा के लिए कोई सामान्य बात मेरी दृष्टि में नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में आप लोग सब घर के हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि श्याम बाबा की भक्ति का स्वरूप जो है वो सिर्फ एक भारी भरकम वो महल, भारी भरकम सजावट, भारी भरकम लाइटें और उसके अंतर्गत कर दिया है, इसलिए कोई सात्विक व्यक्ति मुड़ नहीं पाता इस पथ पर। भैया जी सब समझते हैं श्याम बाबा की भक्ति क्या है, बोले बस जागरण है, खूब जागरण, खूब गीत भजन भी क्या कहें उसको, तो इसलिए कोई मुड़ नहीं पाता है। ऐसे वातावरण में पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी श्याम कथा सुनाने आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। आप सब भाग्यशाली हैं निश्चित रूप से। तो दास यह निवेदन कर रहा था, प्रत्यक्ष गोसेवा के, प्रत्यक्ष गोसेवा के बगैर गो भक्ति अधूरी है, इसलिए सेवा का प्रथम प्रकार क्या है यह बात कह के हम लोग गो कथा की ओर चलेंगे। तो मैं जो आपको बता रहा था कि मलुकपीठ वाले महाराज जी वो कहते हैं, मलुकपीठ वाले महाराज जी से सुना है कि गाय भगवान की भी इष्ट है, तो भगवान कन्हैया गोपाल हमारे इष्ट हैं और गौ माता उनकी इष्ट है, तो अपने इष्ट की जो इष्ट है वो अति इष्ट हो गई, अपने इष्ट की इष्ट अपने लिए अति इष्ट हो गई, तो जो गौ माता अति इष्ट है उस गौ माता की सेवा कैसे करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, इष्ट की सेवा का सर्वश्रेष्ठ प्रकार क्या है। हनुमान जी किसी के इष्ट हो तो वो सोचे सिंदूर चढ़ाना, तेल चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, चूरमा चढ़ाना। श्याम बाबा किसी के इष्ट हो तो उनको पुष्प चढ़ाना, पोशाक चढ़ाना, छप्पन भोग चढ़ाना। किसी के वो हो तो, लेकिन वास्तव में इष्ट का
इष्ट की सच्ची सेवा क्या है? अपने पास में जो सर्वश्रेष्ठ हो वो अपने इष्ट को समर्पित करना, ये सर्वश्रेष्ठ इष्ट की पूजा है। भाई अपने पास में जो सर्वश्रेष्ठ है वो हम अपने इष्ट को दें, यानी हमारी 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 पहचान कहो या हमारी जो जिंदगी कहो उसका आधार ही जो चीज है वो भगवान को देना। तो हमारे पास में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है, वो हम गौ माता के लिए पहली दृष्टि में समर्पित करें, ये सेवा की शुरुआत है। हमारे पास में जो श्रेष्ठ है वो हम गौ माता को समर्पित करें, ये गौ सेवा की सबसे पहली शुरुआत है। मेरे पास मेरी वाणी है जो श्रेष्ठ है तो मैं अपनी वाणी समर्पित करूं। मेरे पास में प्रभाव है कि मैं 500 आदमियों के ऊपर अपना प्रभाव रखता हूं, 500 लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को मानते हैं, ये मेरे पास में ये श्रेष्ठ है तो मैं उन 500 लोगों को प्रेरित करूं कि भाई आप लोग गौ सेवा करें। मेरी लेखनी श्रेष्ठ है, मैं लिखता बहुत अच्छा हूं तो मैं गौ माता के गुणगान लिखूं, गौ माता से संबंधित लेख लिखूं। मेरा गायन बहुत अच्छा है तो मैं गाय के गीत गाऊं। ऐसे सब अपने अपने पास जो श्रेष्ठ है, मैं व्यापारी हूं, मेरे पास में जो पूंजी है वो श्रेष्ठ है तो आप उस पूंजी को समर्पित करिए। मैं नृत्यकार हूं, मेरे पास में ये श्रेष्ठ है तो मैं गाय के लिए नृत्य करूं। अपने पास जो श्रेष्ठ है वो गाय को समर्पित करना, ये सबसे पहली प्रत्यक्ष और गो सेवा की पहली सीढ़ी है। जैसा कि पूज्य नंदू भैया जी से बात होती रहती है कि कीर्तन आदि में भी जो ज्योत के अंदर जो भी भेंट आती है वो वहाँ की स्थानीय गौशालाओं को बुलाकर आप प्रदान कर देते हैं कि भाई ये लो आप गाय की सेवा करो, और वहाँ आयोजक लोग भी कुछ समर्पण करना चाहे तो गौ माता का समर्पण करवा देते, गायों के लिए करवा देते प्राणनाथ। इस प्रकार छोटी 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 प्रेरणा से ही धीरे 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 एक वातावरण निर्मित होगा, एक वातावरण निर्मित होगा और उसी वातावरण से गो रक्षा का कार्य आगे बढ़ेगा, ऐसा दास को लगता है। पूज्य नंदू भैया जी के प्रयासों को नमन, आप सबको नमन। आइए गो कथा की ओर चलते हैं। एक बात, गो कथा किसको कही जाए, गो कथा क्या है, गो कथा क्यों? आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले कोई गो कथा नहीं होती थी। हाँ गाय को लेकर सम्मेलन होते थे, गाय को लेकर चर्चा होती थी, लेकिन गो कथा नहीं होती थी भैया जी। अब गो कथा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? सीधी सीधी बात बता रहा हूं, थोड़ी कड़वी है, चूंकि आप लोगों के ऊपर वो बात नहीं आती इसलिए आप लोगों को इतनी बुरी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते थोड़ी बुरी लग सकती है। लोग कहते हैं मुसलमानों को गाय की महिमा समझाओ जाकर के ताकि वो गोवध न करें, कोई कहते हैं ईसाइयों को समझाओ, कोई कहता है कि सरकार को समझाओ, कोई कहता है मंत्रियों को बताओ, कोई कहता है मुख्यमंत्री को बताओ, कोई कहता है प्रधानमंत्री को बताओ, कोई कहता है राष्ट्रपति को बताओ, कोई कहे उसको बताओ, कोई कहे बड़े सेठ लोग हैं, कोई कहे बड़े बड़े जो धनपति हैं उनको बताओ। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि गाय की महिमा जो लोग विधर्मी हैं, गाय की महिमा, गौ माता की महिमा का बोध
जो विधर्मी है, जिनका गाय से कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे लोगों को कराना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं है। आज स्थिति ऐसी कि हमारे घर के ही जो लोग हैं उनको भी गो महिमा नहीं पता है, तब उनको बता करके क्या करे। जब अपने घर में ही अंधेरा है तो औरों के घर में बल्ब लगाने से क्या श्रेय मिलेगा बता। हमारे अपने ही जो बंधु बांधव हैं उनको ही नहीं पता है कि गो माता की महिमा क्या है, मानो जैसे भूल गए हो। प्राणनाथ क्षमा कीजिएगा, मैं मानता हूं धीरे धीरे आजकल घरों में बुजुर्गों का प्रभाव कम होता जा रहा है। हमारे मारवाड़ी में तो कहावत भी है कि डोकरी री कयोड़ी खीर कुण रांधे। यदि घर में एक बुढ़िया कह दे कि आज खीर बननी चाहिए तो खीर कोई नहीं बनाएगा, पर घर में कोई बेटा कह दे, बहू कह दे खीर बननी चाहिए तो खीर जरूर बने, पर डोकरी री कयोड़ी खीर कुण बनावे। मानता हूं आजकल बुजुर्गों की इतनी घरों में नहीं चलती, लेकिन जहां जहां चलती है वहां पर यह विषय क्यों नहीं आता। प्राणनाथ जिनकी आयु 25 साल की है, 30 साल की है, 40 साल की है, उनको जाने दो, लेकिन जिनकी उम्र 50 साल की है वो थोड़ा सोचें, जिनकी उम्र 60 साल की है वो थोड़ा सोचें, जिनकी उम्र 70 साल की है वो थोड़ा सोचें। क्या उनके बुजुर्ग गो सेवा नहीं करते थे बताइए। अब इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको तो मैं नहीं जानता हूं, 2-5 चेहरे मेरे परिचित है, बाकी तो सबको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी गारंटी के साथ कह सकता हूं यहां पर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका, जिसके पूर्वजों का संबंध गो माता के साथ न रहा हो, गो सेवा के साथ न रहा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो जरा खड़ा होकर बता दे कि हमारे परिवार का, हमारे पूर्वजों का गाय के साथ कभी कोई संबंध नहीं रहा, ऐसा कोई हो तो बता। कोई नहीं है, क्योंकि मैं पूरे सावधानी से संभल कर यह बात कह रहा हूं। सुनिए नारायण, आज यदि आप किसी पवित्र सात्विक धार्मिक प्रकल्प के साथ जुड़े हैं, किसी धार्मिक आयोजन के प्रति आपके मन में रुझान है, अथवा कुंभ में आकर संतों के पास बैठ रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं, तो ये कभी न कभी की गई आपके पूर्वजों की गो सेवा का ही परिणाम है। नहीं तो आज के इस भयंकर कलिकाल में लंदन पेरिस जाकर हजारों लाखों रुपया बर्बाद करने की मन में आ सकती है, लेकिन कुंभ में जाकर संतों की सेवा करने की मन में आना बहुत कठिन। आप यह प्रस्ताव अगर अपने 2-5 मित्रों के आगे रखेंगे कि भैया कुंभ में चले क्या, भैया जी ने कैंप लगाया, अरे क्या करेंगे भीड़ भाड़ में, क्या वहां पर कुंभ में आगे भीड़ पड़ रही है, रोज अखबार में फोटो आ रही है, आज 10 लाख पहुंचे, अरे वहां कहां भीड़ में, गर्मी में पसीना उतरेगा, ये होगा वो होगा। और वही आप कहो अपने मित्र को, भैया लंदन चलें क्या, अमेरिका चलें क्या, हाँ हाँ कब का टिकट बनाना, कब का टिकट बना, तो वहां आपको क्या सिंगल लेके जाएंगे क्या, वहां कोई भीड़ नहीं होगी, वहां आपका बड़ा भारी प्रोटोकॉल रहेगा। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की कथा का भाव लेकर परदेश भी जाने का काम पड़ा, पर बहुत सारे भारतीयों को देखा जो वहां घूमने आते, वहां जहां भीड़ होती वहां वो भी भीड़ में इधर उधर ही डोलते। ऐसा कोई नहीं कि उनको एकदम घेरा बना के रखा जाता, भाई ये कुंभ में नहीं गए भीड़ के कारण, यहां पर आए इसलिए इनको यहां विशेष सुविधा दो, ऐसा कुछ नहीं, वहां भी ऐसे ही धक्का मुक्की खाते हैं। लेकिन वहां पर उन परदेसी लोगों के धक्के खाना, उसमें इनको फैशन लगती है, अपनी प्रतिष्ठा लगती है, और यहां भगवान के भक्तों का स्पर्श इनको धक्के लगता है, भीड़ लगता है, यही तो दुर्भाग्य है।
अरे भाई, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे ऐसे साधु संत जो पूरे वर्ष में कभी अपने स्थान से बाहर नहीं निकलते, जंगल से बाहर नहीं आते, गुफाओं से बाहर नहीं आते, वे सिर्फ इस कुंभ के समय में निकल निकल कर आते हैं। क्या पता इसी भीड़ भक्कड़ में किसी एक साधु का स्पर्श हो गया तो अपनी भी काया पारस के स्पर्श जैसे लोहा सोना बनता, अपना भी कुछ भला हो सके। लेकिन ऐसी, इसका मतलब ये नहीं कि टूट पड़े साधुओं के बीच में कि लो भाई कोई हो जाए अपना भी काम, इसका अभिप्राय यह नहीं। लेकिन इस मेरी बात का अभिप्राय कि हमारी भावनाओं को ऐसा न बनाए, कुंभ की भीड़ को वो वाली भीड़ न समझे। भाई ये पवित्र लोग हैं, ये भारत का आस्तिक समाज है जो महीने महीने के लिए यहां जंगल के अंदर डटा हुआ है। कहां घर जैसे कमरे, कहां घर जैसे आपके शौचालय स्नानघर, कहां घर जैसे पलंग, कहां घर जैसा सब बात। हां, कोशिश की जाती है कि आप जैसे घर में रहने के अभ्यस्त हो वैसी अधिक से अधिक व्यवस्था की जाए, वो इसलिए ताकि आप उखड़े नहीं तो कहेंगे अरे यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो पंखा भी नहीं, ये क्या दाल रोटी से कुछ काम चलता है क्या, हमारे तो ब्रेकफास्ट में हमको ब्रेड बटर होना, ये इससे तो कुछ नहीं होता, हम तो जा रहे हैं भाई, हम तो जा रहे हैं। इसलिए आप उखड़े नहीं, आप जैसी सुविधाओं के अभ्यस्त हैं वैसा आपको यहाँ रहे तो आप टिके रहें, और रहेंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। पंचकोशी की परिक्रमा जो यहां पर निकलती है उज्जैन की, आप लोगों ने शायद ना देखी होगी, पर लाखों लाखों लोग अपना पूरा सामान सिर पर रखे हुए और पैदल पैदल घूम रहे हैं, पैदल पैदल दर्शन कर रहे। हम तो, कई लोग तो कुंभ में इसलिए नहीं आते, महाराज पैदल बहुत चलना पड़ता, पैदल बहुत अरे गाड़ी आ रही है ठेठ ऊपर अंदर, काय पैदल चलना पड़ता, लेकिन इसी डर के मारे नहीं आ रहे, पैदल बहुत चलना पड़ता। अरे भाई घाट पर तो कम से कम एक 50 कदम तो पैदल चलना ही पड़ेगा, इतना भी न चलो तो फिर आए क्या करने को। घर में भी पैदल मत चलिए, पलंग पर ही रहिए, वहीं एक नीचे व्यवस्था करवा लीजिए, वहीं सब करिए अपना, काय को पैदल चलिए मत, पलंग से नीचे उतरे ही मत, इतना ज्यादा सुविधाओं का आदर है। छोड़िए भाई, यह कुंभ, इस कुंभ में हम लोग आए हैं तो भाई ऐसी ये चीज है, साधु संत लोग आते हैं मिलते हैं, लेकिन इस तरफ आकर्षण हर किसी का नहीं होता है। जैसे लोग विदेश घूमने के लिए तैयार होते हैं, जैसे लोग पहाड़ों पर शिमला कुल्लू मनाली घूमने के लिए जैसे लोग तैयार होते हैं, वैसे कुंभ के लिए तैयार नहीं होते। कुंभ की जो खाली एक मानसिकता है कि कुंभ में भीड़ रहती है, कुंभ में ऐसा होता है, कुंभ में वैसा होता है, लेकिन इसकी तरफ आकर्षण नहीं। तो यदि ऐसे वातावरण में आपके मित्रों ने, कईयों ने कहा होगा क्या पड़ा है कुंभ में, क्या करोगे वहां कुंभ में जाके, ऐसे गतिरोध के बीच में भी आप यहां पर आए हैं, वो सिर्फ आपके पूर्वजों का वो जो गो सेवा का पुण्य है वो ही लाया है। क्यों, आप कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने गाय की सेवा की, वही पुण्य है, आपको ये कैसे गारंटी है? उन्होंने कहीं कुआं बनवाया होगा वो पुण्य आ गया तो, उन्होंने कभी स्कूल बनाई वो पुण्य हो गया तो, उन्होंने कोई मंदिर बनाया उस पुण्य के खाते से आए होंगे तो, वो तो भाई कन्फर्म तो ये तब होगा जब आप भी ऊपर मिलेंगे, मैं भी ऊपर मिलूंगा, और चित्रगुप्त जी से कहेंगे वे चेक करके बताओ कि किस पुण्य के प्रभाव से ये कुंभ में पहुंचे। तो मैं तो एकदम श्योर हूं, मैं तो एकदम पक्का हूं, चित्रगुप्त जी
आप कहेंगे स्कूल बनाई थी हमारे परदादा जी ने, हमारे परदादा जी ने मंदिर बनाया था उसका है क्या? तो चित्रगुप्त जी कहेंगे नहीं, आपके दादा ने, आपके परदादा ने अपने घर में गोष्ठ बनाकर जो गाय की सेवा की उस पुण्य के कारण आप कुंभ में पहुंचे हैं। ये देख लीजिएगा बोले, क्या मैं पहले गया तो मैं निकाल के रखूंगा, आप पहले पहुंचे तो आप निकाल के रखना। पर यही निकल के आएगा, क्यों? क्योंकि यह सात्विक यात्रा है, यह सात्विक यात्रा भैया जी, इसको रजोगुणी या तमोगुणी नहीं कहा जा सकता। भले ही एसी लगा है, भले ही हम जैसे भोजन के अभ्यस्त है उस प्रकार का भोजन कराया जा रहा है, भले ही पलंग लगे हैं, लेकिन फिर भी यह रजोगुणी तमोगुणी नहीं है। पता नहीं इस भूमि का कुछ असर है, कुंभ का प्रभाव है, या इतने साधु संत यहां पर विराज रहे हैं इसका असर है। आप इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए मुझे पता नहीं सभा के बीच में ऐसी बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप सच बताइए, संसार के भोग विषय संबंधी कोई विचार आप लोगों के मन में आए क्या यहां पर? बोलिए, जोर से बोलिए ना। सुविधाओं में कमी नहीं, घूमने फिरने में कोई कमी नहीं। यही सोचिए, यदि आप लोग कहीं शिमला में होते, कुल्लू मनाली में होते, लंदन वंदन में होते, तो क्या पति पत्नी दोनों हाथ में हाथ डाल के निकल नहीं जाते घूमने को? बोलिए ना, शर्मा क्यों रहे हैं आप जी? निकलते कि नहीं निकलते? हाँ, अब शर्मा के अच्छी बात है, ये मर्यादा शर्मा ना चाहिए सब बात। लेकिन यहां पर अगर पति पत्नी निकलते भी हैं तो घूमने नहीं निकलते हैं, किसी गरीबों को कुछ बांटने को निकलते, साधु संतों को कुछ देने निकलते, दर्शन करने निकलते, स्नान करने निकलते। ये कुछ भूमि का असर समझिए, चाहे या इतने साधु संत आचार्य यहाँ पर बैठे हैं और उनके उनके शरीर से, उनकी वाणी से जो पवित्र वाइब्रेशन निकल रहा है, जो सात्विक वातावरण उनकी वाणी से, संकीर्तन से, सत्संग से निर्मित हो रहा है, या उसका असर है जो हम, हमारा मन संभला हुआ है, हमारा मन बिगड़ नहीं रहा है? तो ये सब उस सात्विक गो सेवा का परिणाम है, क्योंकि गाय से ज्यादा सात्विक संसार में कोई दूसरा नहीं, माफ करिएगा, गाय से ज्यादा सात्विक इस पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। गाय से ज्यादा सात्विक पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आपको। बड़े से बड़े महापुरुष, बड़े से बड़े महापुरुष, उनका हम चरणामृत ग्रहण करेंगे, शायद उनकी शीत प्रसादी भी वो भोजन करे, उसके बाद कुछ बचा हुआ शीत प्रसाद हो वो भी शायद हम ले लेंगे, लेकिन मल मूत्र तो किसी का भी ग्रहण करने के योग्य, बोलिए ना, नहीं होता है। क्योंकि और सब चीजें ठीक हैं, लेकिन मलमूत्र के रूप में जो शरीर से निकलता है वह तो तामसिक होता है, मलमूत्र के रूप में जो शरीर से निकलता है वह तो गंदगी के सिवाय और कोई दूसरी चीज होती ही नहीं। लेकिन आप विचार करिए, रूखा सूखा चारा खाने वाली गोमाता, रूखा सूखा चारा खाने वाली गोमाता, जैसे तैसे जल पीकर अपनी प्यास शांत करने वाली गोमाता, मल मूत्र के रूप में भी जो विसर्जन करती है वो गोमूत्र गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है, और उस गोबर को लक्ष्मी जी का निवास स्थान माना जाता है। इससे बढ़कर के और क्या प्रमाण होगा कि गोमाता जैसा कोई सात्विक नहीं? आप सोचिए, उस गोमाता के भीतर कितनी सात्विकता होगी कि जो मलमूत्र के रूप में भी इतनी पवित्र चीजें निकल रही है उसके शरीर से। ध्यान दीजिए, गोमाता अपनी प्रसन्नता से, गोमाता अपने आनंद से, गोमाता अपनी सहजता में, गोमाता अपने स्वभाव में जो भी अपने शरीर से विसर्जित करती है वो सात्विक ही होता है, चाहे गोबर गोमूत्र हो, चाहे दूध हो, और चाहे श्वास ही क्यों ना हो, चाहे श्वास ही क्यों ना हो। आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं, गोमाता ऑक्सीजन ही ग्रहण करती है, और ऑक्सीजन ग्रहण करके
शुद्ध ऑक्सीजन फिर से विसर्जित करती है, क्योंकि गाय की जो श्वसन नली है वो बड़ी ज्यादा है। गाय की श्वसन नली कुछ ज्यादा बड़ी है, इस कारण गाय को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा ऑक्सीजन गाय के शरीर में चला जाता है। तो गाय जो अतिरिक्त ऑक्सीजन है उसको फिल्टर करती है, उसको और अच्छा करती है, और अच्छा करके उसको अपने मुख से बाहर विसर्जित करती है। ऑक्सीजन लेकर के और शुद्ध ऑक्सीजन को देने वाली अगर कोई है तो हमारी गौ माता है, और कोई दूसरा नहीं। इसलिए पहले के समय में तो अनेक वैद्य कई बीमार जो होते थे उनको यही सलाह देते थे, जहां गाय बांधते वहां जाकर सोना। पहले औषधि का सेवन तो भैया जी सबसे अंतिम उपचार था, उसके पहले सबसे पहला जो उपचार होता था वो सन्निधि का उपचार होता था। नीम के पेड़ के नीचे सो, कुछ बीमारियों में नीम के पेड़ के नीचे सोना होता था, कुछ बीमारियों में आम के पेड़ के नीचे सोना होता था, कुछ बीमारियों में पीपल के पेड़ के नीचे सोना होता था, इमली के पेड़ के नीचे कभी नहीं सोना, नहीं बहुत बीमार हो जाओगे। इमली के पेड़ के नीचे सोने पर जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए नीम के पेड़ के नीचे सोना पड़ता है। तो पहला उपचार